Good morning to all of you. My name is Masum Agrawal. I read in class 5th. आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर दो शब्द कहना चाहती हूँ। माटी के तन में वो जान डाल देते हैं, माटी के तन में वो जान डाल देते हैं, छोटे से मन में कई अरमान डाल देते हैं। यूँ तो होती है सारी दुनिया हमसे अनजान, पर वो हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर होते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। हमारे संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि पहला गुरु माँ बाप होते हैं, जो हमें जन्म देकर खूबसूरत दुनिया दिखाते हैं, और दूसरा गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें जीवन जीने का सही सलीका सिखाते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं, जो हम इन पंक्तियों से अनुमान लगा सकते हैं। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से राह दिखाने वाला गुरु होता है, और जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसके कदमों में एक दिन सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। जिस प्रकार एक माली एक छोटे से बीज को उसे सींच कर उसे खाद पानी देकर उसका ध्यान रखकर एक विशाल बरगद का पेड़ बना देता है, ठीक उसी तरह एक गुरु माँ बाप के द्वारा सौंपे गए एक छोटे से बालक को अपने ज्ञान से सींच कर अपने स्नेह और समझ के खाद से उसका ध्यान रखकर समाज में एक ऊंचा स्थान दिला देता है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। वो कहते हैं ना, गुरु उस सड़क की तरह होते हैं जो खुद कहीं नहीं जाते, पर अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए गुरुओं का सम्मान हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक ऐसा खजाना देते हैं जिसे ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही कभी खत्म हो सकता है। उसी को तो हम ज्ञान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि देवो रुष्टे गुरु स्त्राता, देवो रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे ना कश्चना, गुरु स्त्राता गुरु स्त्राता ना संयंसः। अर्थात भगवान अगर रूठ जाते हैं तो गुरु हमारी रक्षा करते हैं, पर अगर गुरु रूठ जाते हैं तो कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है। वो गुरु ही होते हैं जो खुद हार कर अपने विद्यार्थियों को जिताते रहे और वो जीतते रहे ऐसा सुदृढ़ बनाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट।